हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे आरटीजीएस कैसे करते हैं और एनएफटी भी, और दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। आरटीजीएस और एनएफटी बोले तो क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो बोल देता हूँ। मेरे को मेरे दोस्त को एक एनएफटी करने का है, कैसे करते हैं एनएफटी का फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने भर के रखा है, जो ऊपर का है इधर, ये अकाउंट नंबर बोल के, ये इधर आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए, ऊपर डेट है, डेट नंबर भी डाल दीजिए, आपका ब्रांच भी डाल दीजिए, और अकाउंट का क्या नाम है, मेरा नाम है ये, और कितना अमाउंट डाल रहे हैं, 50,000 रुपीज़ इन वर्ड्स, 50,000 रुपीज़ ओनली। ये रुपीज़ ओनली भी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका चेक नंबर लिखिए 54321, और डेट, चेक का डेट है वो, और आप किसको डाल रहे उसका भी। ये SBI बैंक का है, कौन सा ब्रांच का है, सुपरमार्केट, और IFSC कोड क्या है, और उनका अकाउंट नंबर क्या है, और उनका नाम क्या है, ये फुल ही डिटेल में भरना। एक भी गलत हुआ जो कैंसिल हो जाएगा, वरना दूसरे को जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आ जाइए, ये तो हो गया, ये तो आपको बैंक में फाड़ के आपको दे देंगे, और बैंक वाले क्या, ऊपर आपका पूरा डिटेल, आपका अकाउंट कितना अमाउंट भर रहे, और अमाउंट कितना, क्या चेक का नंबर क्या है, चेक का नंबर क्या है, डेट कौन सा है, और आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और वो होने के बाद फिर आता है पार्टी का, ये उनका बैंक का, ब्रांच का, और IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नाम क्या है, सब कुछ होने के बाद आप अपना साइन इधर कर सकते हैं। ये रहा फुल डिटेल देख ली। और मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, RTGS और NFT का मतलब क्या होता है। NEFT का मतलब होता है जो बिलो 2 लाख रुपीज़ रहता है वो ही NFT कर सकते हैं, अबव 2 लाख से ज़्यादा होता है तब आप RTGS कर सकते हैं, इसका मतलब है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।